Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se judi hui taza khabron ko lekar hazir hain. हम आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइंस लेकर जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग. धन्यवाद मनोज जी. यस, वी बिगिन विद द हेडलाइंस. Key domestic stocks log marginal gains. Sensex closes at 44,633. Nifty settles at 13,134. The rupee weakens 13 paise against the US dollar. And gold rises more than 500 rupees per 10 grams amid appreciation in the international market. मामूली बढ़त के साथ बंद हुए घरेलू शेयर बाजार. सेंसेक्स 44,633 हुआ दर्ज. निफ्टी 13,134 पर पहुंचा. एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 13 पैसे कमजोर हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के बीच सोने का मूल्य 500 रुपए से अधिक प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 15 अंक की मामूली बढ़त लेकर 44,633 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20 अंक बढ़कर 13,134 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजारों पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों में भी निवेशकों ने लिवाली की और कुल मिलाकर सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन कहीं अधिक बेहतर रहा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.85% लाभ में रहा. स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.68% की वृद्धि हुई. Key domestic indices today closed with marginal gains amid mixed global cues. Sensex added 15 points to end at 44,633, while the NSE Nifty 50 index rose 20 points to settle at 13,134. The broader market at BSE outperformed as the Sensex, as the BSE mid-cap index surged 0.85%, while the BSE small cap index appreciated 0.68%. In the Sensex pack, shares of 18 companies climbed while 12 logged losses. Maruti was the top gainer as it climbed 7.5%, followed by ONGC, which gained 4.5%. Asian Paints climbed 4.1%, NTPC gained 4%, and SBI rose 3.9%. On the other side, HDFC Bank fell 2.1% and TCS declined 1.5%. Bajaj Auto and Infosys both ended down with 1.3%, while Bharti Airtel slipped 1%. In sectoral indices, 15 out of 19 sectors climbed. The top gainer, metal sector, climbed 2.5% and utilities surged 2%. Oil and gas rose 1.8%, while power and auto sector stocks gained 1.6%. On the other hand, IT and tech stocks fell around 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,984 companies gained, 932 declined and 170 remained unchanged. Hello, Rajiv. रुपए की स्थिति पर हम ध्यान दें तो रुपए में आज कमजोरी देखने को मिली है. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 13 पैसे कमजोर हुआ है. 73.93 रुपए के स्तर पर आ गया. उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.32% कमजोर हुआ. 90.82% पर आ गया.
श्रोताओं को हम आज जानकारी देना चाहेंगे कि आज जो कारोबार हुआ उसमें शुरुआत के कारोबार में तो काफी अच्छी खासी तेजी दिखने को मिल रही थी, लेकिन बाद में यह तेजी बरकरार नहीं रह सकी। हालांकि कारोबार आखिर में मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, इसे कुल मिलाकर फ्लैटिश कह सकते हैं हम। आज शेयर बाजार में 18 कंपनियां सेंसेक्स पैक की जो 18 कंपनियां हैं वो फायदे में रही हैं, जबकि 12 को नुकसान उठाना पड़ा है। उसके अलावा मारुति आज सबसे अधिक लाभ उठाने वाली कंपनियों में शामिल रही। मारुति के जो परिणाम आए हैं वह पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस वर्ष उतने आकर्षक नहीं दिख रहे हैं जितने कि बाकी अन्य कंपनियों के हैं, लेकिन फिर भी आज मारुति के शेयरों में 7.5% की वृद्धि हुई है। उसके अलावा आज जो सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी रही है वो है ONGC, जिसके शेयरों में 4.5% की आज वृद्धि देखने को मिली। इसी तरह त्योहारी मौसम है तो त्योहारी मौसम में एशियन पेंट्स के शेयर 4.1% बढ़त के साथ आज बद्ध हुए हैं। NTPC को भी 4% का फायदा हुआ। उधर बैंकिंग सेक्टर की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बैंक भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 3.9% लाभ में रहे। घाटा उठाने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों पर हम ध्यान दें तो HDFC बैंक के शेयरों में 2.1% की कमी आज आई है। TCS देश का प्रमुख IT सेक्टर की कंपनी, इसके शेयरों में भी गिरावट हुई और लगभग 1.5% घाटे में रही ये कंपनी। बजाज ऑटो, इन्फोसिस दोनों को 1.3% का नुकसान हुआ। भारतीय एयरटेल के शेयर 1% घाटे में रहे। यदि हम सेक्टर पर ध्यान दें तो सेक्टर में क्या स्थिति रही है, हम आग्रह करेंगे लालिमा जी से कि लालिमा जी बताएं कि सेक्टर वाइज यदि हम ध्यान दें तो क्या नजारा रहा है आज। यस मनोज, इन सेक्टोरल इंडिसेस 15 आउट ऑफ 19 सेक्टर्स क्लाइम्ड। द टॉप गेनर मेटल सेक्टर क्लाइम्ड 2.5% एंड यूटिलिटीज surged 2%. Oil and gas rose 1.8%, while power and auto sector stocks gained 1.6%. And on the other hand, IT and tech stocks fell around 0.5%. And the overall breadth, Manoj, of the BSE trade was positive, as shares of 1,984 companies gained, 932 declined, and 170 remained unchanged. इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। Rajiv, when you talk of 40,000 plus, it seems very optimistic. Yesterday, Nifty had soared very high. What does this all say? I mean, when we talk of 40,000 plus, today Sensex added 15 points to end at 44,633. How does that reflect the state of the Indian economy? Time to feel very buoyant or to be a little, to exercise optimistic or cautious optimism, rather? So first of all, I don't think so. There is a perfect correlation between what happens in the markets and what's happening in the economy. I mean, economy, of course, has bounced back much faster than it was expected in the month of April, May. But what we are seeing in markets, global markets, along with India, is the reflection of the amount of liquidity which is there slashing around the global market, because central banks have pumped in so much of money that money is bound to go to some of the asset class, riskier asset class. And emerging market equity is one of the riskier asset class, you know, when you look at the global asset classes and divide the country on basis of the risk. So what we are seeing in market probably is a liquidity driven rally where, of course, there is an element of hope that corporate earnings should improve. And the indications are that things are not bad even in the financial sector as they were expected to be. So there is partially it's reflecting the hope and partially more reflecting the abundant of liquidity which is there in the global market at this point of time. So I wouldn't draw a conclusion, you know, what's happening in the economy. Though there are clear signs, I mean, like if you look at the demand for trucks, yes, the demand, you know, the numbers coming in from the bottom numbers, still indicating that things are better. But I won't correlate fully to that. राजीव, आपने ऑटो सेक्टर की चर्चा की है। ऑटो सेक्टर में जो विभिन्न कंपनियों के परिणाम बिक्री के आंकड़े आए हैं नवंबर महीने के, वो काफी उत्साह दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से जो लोग रुके हुए थे खरीदारी के को लेकर थोड़ा संकोच में थे, वह
ऑटो सेक्टर में खास तौर से यानी कह ले कि खरीदने के लिए सामने आ चुके हैं। क्या इसे माना जाए कि ये जो ट्रेंड बना है खरीदारी का ऑटो सेक्टर का, वह आगे भी जारी रहेगा? मनोज जी, ऑटो सेक्टर में जो होगा वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटर टर्म्स के। देखिए, टू व्हीलर स्टॉक्स जो है वो पहले ही काफी परफॉर्म कर चुके हैं। वो शायद हो सकता है थोड़े दिन शांत रहे बिकॉज जहां तक के फोर व्हीलर्स या उनकी बात है, स्टॉक्स लाइक मारुति हैव ऑल्सो डन वेल। मेरे को जैसे जहां तक लगता है शायद एलसीवी और एक्सीवी मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अब शायद थोड़ा सा परफॉर्म करें बिकॉज वहां पे इंडिकेशन आ रही है। बिकॉज एक्सीवी और एलसीवी दोनों 100% फाइनेंशियल मतलब के जो अगर उनकी सेल्स बढ़ी है तो जो फाइनेंसिंग का इश्यूज था जो 2018 से चल रहा था थोड़ा सा वो लगता है सेटल हुआ है। इंटरेस्ट रेट कम है तो ट्रांसपोर्टर्स को अपनी फ्लीट बढ़ाने में उनकी जो कॉस्टिंग है वो अब कम होने लगी है। तो आई थिंक प्रॉब्ली इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी माइट सी अ सेगमेंटेशन सी हो जाएगी और एलसी एससी वाले स्टॉक्स में थोड़ा बढ़िया करेंगे या वो स्टॉक जो है तो इंडिया में लेकिन उनकी सेल जो है कार सेल बाहर से आती है टाटा मोटर्स जैसे वो शायद हो सकता है आने वाले दिनों बढ़िया करें। लेकिन जो पेस ऑफ आउट परफॉर्मेंस टू व्हीलर और फोर व्हीलर का इंडिया में था वो शायद थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ऐसा नहीं है गिर जाएंगे बट दैट पेस ऑफ आउट परफॉर्मेंस माइट बी गेटिंग स्लोड। And from the auto sector to the infrastructure, Rajiv, we know that steel production and cement offtake has improved and their sales and profitability has also shown a significant increase. And the power generation sector has also shown great in sales and profitability. What would you say on that? See, steel has been, and of course there has been an increase in the prices because most, the exports were literally not there in last couple of months. There have been imports have been curbed because of the high imposition of duties as well as the fact that disruption happened in the global trade. Now, how much does it last? Because see, steel as a cyclical commodity tend to witness a hike in prices and then settles down because the moment it goes beyond a point, the imports become cheaper. It becomes easier for them to import. So I think probably in terms of production, we are reaching close to maybe if not now, probably in a quarter or two, we would reach a place where again we will see a plateauing kind of thing. As far as cement is concerned, see the spending in the rural India has been far better than expected. Yes, that has been the source of strength for the cement pricing. Though in last 10 days, 10 to 15 days. Even the cement prices have softened a bit in parts of India. Normally if you look at it, cement prices tend to move between 3 to 4% every year, depending on the inflation. Mm-hmm. But again, it's a cyclical thing. The element of cyclicality is there. So, what stock prices are reflecting probably is what has happened in last 6 months, where performance has been better than expectation. And also on an absolute basis, it has been better. But to say that, just because they're moving and relating it with the, and this would continue to happen, I think probably we'll have to be cautious a bit out there in terms of stock price movement. श्रोताओं, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद बने रहिए हमारे साथ। Three steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, दो गज की दूरी, टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन हैंड एंड फेस हाइजीन। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां मिला जुला असर दिखा है। कुल मिलाकर एक ओर कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध होने से आर्थिक सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है, वहीं रोजगार संबंधी बेहतर आंकड़े आए हैं जिनका निवेशकों पर अनुकूल असर दिखा है, हालांकि कारोबार एक सीमित दायरे में हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से आज 0.8% लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हेंगसेंग में
0.7% की वृद्धि हुई। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% ऊपर आकर बंद हुआ। उधर जापान का निकेई 225 सूचकांक बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुआ। निवेशकों द्वारा बिकवाली की जाने से चीन में थोड़ा सा दबाव में दिखा वहां का इंडेक्स। कारोबार के अंत में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.2% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां से भी मिला जुला रुख देखने को मिल रहा था। अंतर दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स सूचकांक 0.4% नीचे चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में भी 0.2% की गिरावट बनी हुई थी। उधर लंदन का फुटसी 100 0.2% ऊपर कारोबार कर रहा था। Yes, Manoj, and when we have a look, Rajiv just talked about the auto sector, especially the rural sector, which has done rather well, especially in the COVID times. Add to that the fact that Kharif output has been better than last year, and FCI has procured a larger volume of rice than in the past. So all those are good signs, especially for the rural sector, and rural economy is, I think, the backbone of Indian economy, considering that we have a huge population in villages. बिल्कुल, ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह जीडीपी पे कुल यदि देखें तो कृषि क्षेत्र का योगदान हालांकि कम नजर आता है, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में, उसके अलावा एक बड़ी आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ग्रामीण भारत का जो योगदान है वह काफी बड़ा है। और इस बार जो पूरा पिछले कोविड के बाद का समय रहा है उसमें ग्रामीण भारत का जो कुल मिलाकर प्रदर्शन रहा कृषि क्षेत्र का, वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर रहा। यस, आल्सो इन द एफएमसीजी गुड्स आर राइट। यहां पर हम राजीव का एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में और समझना चाहेंगे। राजीव, एफएमसीजी क्षेत्र की क्या स्थिति आपको दिख रही है फिलहाल, और आने वाले दिनों में जिस तरह से मांग बनती नजर आ रही है उसमें कैसा प्रदर्शन रह सकता है इस क्षेत्र का? जहां तक एफएमसीजी स्टॉक्स की बात है, वहाँ पर थोड़ा सा डाइकोटमी थोड़ी सी हो जाएगी। देखिए, अर्निंग्स तो कंपनीज की एक सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रही है, एक्सपेंसिव काफी है, और एक और प्रॉब्लम आएगी जो एफएमसीजी शायद लॉन्गर टर्म में फेस करेगा कि जब भी किसी कंट्री में ऑर्गेनाइज डिटेल आता है तो एफएमसीजी कंपनीज के जो मार्जिन होते हैं वो थोड़े अंडर प्रेशर आते हैं, बिकॉज लार्ज डिटेल उनसे जब माल खरीदता है तो वो उनके मार्जिन को स्क्वीज करता है। आई थिंक इट इज अ नेसेसरी इवन टू हैव इन योर पोर्टफोलियो, तो डिफेंसिव स्टॉक है, बट एट दिस लेवल थिंकिंग से यहाँ से जो परफॉर्मेंस पिछले दो या तीन साल में रही है वो थोड़ी सी डाउटफुल लगती है मुझे, वो शायद ना हो। राजीव, बाजार में आज की गतिविधि को हम देखें तो मेटल सेक्टर में 2.5% का उछाल आज दिखा है, इसे तात्कालिक समझा जाए या आने वाले दिनों में भी जो गतिविधियां चल रही हैं दुनिया भर में, टीका आने वाला है कोविड का तो उसे ध्यान में रखते हुए इसकी चमक बढ़ती रहेगी? देखिए, ये जो इशू है कि ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैलीज का ऐसा होता है कि जब तक पैसा आ रहा है तब तक आपकी जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि चीज एक्स जाएगी, एक्स प्लस 30% जाएगी, लेकिन जिस दिन वो थोड़ी सी भी लिक्विडिटी के साइंस कम होते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे अराउंड $78 बिलियन जो है इमर्जिंग मार्केट ETFs में गया है। अब उसका अगर आप सोचें कि कुछ पार्ट भी इंडिया में आया हो या बाकी अलग अलग ETF में क्या है कि जैसे आएगा वो एक एक्सेल मॉडल की तरह से आएगा और आप चाहे कितने भी वैल्यूएशन पे हो वो डिसरिगार्ड कर देगा स्टॉक, इवन अगर 80 PE पे है तो भी उसको ले लेगा। सो ये कितना चमक आपने जो कहा वो इसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि जानने का कि जिस दिन दो दिन बाजार घट गया शायद हो सकता है आप लिक्विडिटी मतलब इनफ्लोज की जगह चेक करिए, अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो शायद हो सकता है कुछ टाइम के लिए करेक्शन आ जाए। सो इट्स वेरी टफ टू से कि कितने चलेगा या नहीं चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। यहाँ राजीव, यू मेंशन द फ्रेज लिक्विडिटी ड्रिवन रैली, फॉर अ कॉमन पर्सन हाउ इज वन टू एक्सप्लेन दैट? वेल सी, whenever there is a crisis, global crisis, central banks in last 15 years have followed a policy of easy money policy, you know, reducing the interest rate and pumping in money in the market so that people's purchasing power does not go down. I mean, if you look at this time, what has happened is that US
the people who were unemployed, I mean, got some of them got checks which were better than what they used to get when they were earning. Now that money which is there, and so much of money goes into hands of consumer or to companies, they are bound to put it either in banks, use some of it, it goes to corporate, then their treasury have to invest it. So a huge amount of money is pumped into the system. And a part of that money tend to come into asset classes. You know, suppose a corporate gets huge amount of profit, they have an excess profit, they will give it to a mutual fund to invest. Now that mutual fund is going to invest in equities. Now that money comes in the, you know, in form of ETFs or whatever form, it tends to come into across the globe. So it's a liquidity-driven rally is when central banks have pushed in so much of money that it's overflowing in the domestic market. It's, the liquidity was not required that much. And that is the reason why it's going into, you know, other asset classes moving across the world. That is what is called liquidity. It happened in 2009, 2010. Then the withdrawal, a sudden withdrawal happened in 2013, you know, taper tantrum, as we call that. Overnight a statement came, oh, things are good, doing good in US, so we are not going to go for our bond buying program or quantitative easing program as it used to be called at that point of time. So my fear always with this liquidity rally is that we tend to justify everything. You know, I mean, right, we are entering into that space where we are justifying everything. Oh, vaccines have come, so the market should move up. Or this or some other justification is being given. Now, we never know what, when, you know, probably U.S. Fed is going to come and give a statement, oh, we are fine, we think enough of money, has enough support has been given to economy, and probably we are going to slow it down, and then we will see a phase of correction. And you never know, you can't predict that day when they will say that. राजीव, बड़े ही रोचक मोड पर आपने छोड़ दिया है श्रोताओं को. हम समझना चाहेंगे कि यदि स्थितियां ऐसी हैं कि अगले पल या अगले दिन क्या आसार होंगे, उसका आकलन हम नहीं कर सकते. वैसे में एक जो आम निवेशक है, जिसके पास बहुत अध्ययन भी नहीं है, जिसके पास बहुत औजार भी नहीं है, वह अपने व्यवहार को किस रूप में रखे ताकि उसे मुनाफा तो हो लेकिन नुकसान की आशंका कम से कम रहे. सबसे बड़ा मनोज जी, आपने बढ़िया बात कही कि अगर आपके पास ना समय है ना वो स्किल सेट है तो बेस्ट है कि आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट ना करें. आप आए थ्रू म्यूचुअल फंड और SIP इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बुलिश तब होते हैं जब बाजार बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है. अगर आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे मार्च अप्रैल में बात होती थी कब और कितना घट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो जो हमारे जो फियर है वो मार्केट जब लेने वाली होती है तो फियरफुल होते हैं. अब शायद बेचने का टाइम है, कई क्षेत्रों में स्टॉक्स बढ़ चुके हैं तो अब हम बिकॉज इंडेक्स की मूवमेंट है, चार पांच दिन बढ़ जाता है तो वी आर नाउ यू नो काइंड ऑफ हम बुलिश हो रहे हैं. तो अगर वो नहीं कर सकते तो मेरा मानना यही है कि आप म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू आए. और अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है कि भाई मेरे को नहीं डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो अगर आप 100 रुपए बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 90 रुपए थ्रू म्यूचुअल फंड करिए. बाकी लार्ज कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज वो बिजनेस क्या करती है उसको समझने की कोशिश करिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए. उससे पहले इन्वेस्ट ना करें और ट्रेडिंग ना करें. प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्ट ऑफ द जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को कंफ्यूज कर लेता है. जब बेट गलत हो जाती है ट्रेडिंग बेट तो उसको इन्वेस्टिंग बना लेता है और जब इन्वेस्ट करने का टाइम होता है तो इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक डिफरेंट है, ट्रेडिंग के स्टॉक डिफरेंट है. तो वो सारी चीजें ध्यान में रख के तब कुछ करें आगे. कि आपने पैसा लगाने से पहले अपना समय लगाए, समझे कि मैं किस क्षेत्र में जा रहा हूं, उसके रिस्क कितने हैं. क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं भी जो मीडिया में स्टोरीज आती हैं वो सिर्फ ये आती है कि इतने का लिया था स्टॉक, इतना गुना हो गया, कितनी रिटर्न आ गई, कितना अच्छा हो गया. वो ये नहीं दिखाती कि जो शेयर जो है 100 रुपए वाला वो 5 रुपए भी नहीं बिकता. आज ऐसे कई शेयर है जो 2008 के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में जो थे, आज 12 साल बाद भी वो अपने 99% वैल्यू लूज करने के बाद उस भाव के ऊपर है. प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पैसा लूज करते हैं मार्केट में तो उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस एंड डिजायर टू बी इन अ मार्केट ऑल्सो लूज करते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल एंड कंजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इज आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी. रियली ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड राजीव. यहाँ पर एक छोटा सा विराम हम फिर लेना चाहेंगे. विराम के बाद हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ.
कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के तीन उपाय। मास्क लगाएं, दो गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। Welcome back to Market Mantra, friends. Now let's take a look at the U.S. market. The three major U.S. stocks remained almost flat yesterday. The Dow and the S&P 500 added marginally as fewer than expected private job additions in November added to concerns about the near-term pressure on the economy. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both added marginally by 0.2%, and the Nasdaq Composite Index closed in red but flat. यहां पर हम राजीव आपका ध्यान थोड़ा सा आकृष्ट करना चाहेंगे विश्व अर्थव्यवस्था पर और खास तौर से अमेरिका में जो एक स्टिमुलस देने की बात की जा रही थी उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब तो राष्ट्रपति चुनाव लगभग नए राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित हो चुके हैं और उन्हें लेकर जो प्रतिरोध पुराने राष्ट्रपति की ओर से लगातार किया जा रहा था मामला कानूनी तौर पर उलझाया जा रहा था उसके आसार भी घटते जा रहे हैं तो ऐसे में अमेरिका में जो प्रोत्साहन उपाय किए जाने हैं वह किस दिशा में जाता दिख रहा। देखिए वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि टुवर्ड द मंथ एंड अगर सेनेट अगर वहां पे पॉलिटिकल रिजॉल्व नहीं हुआ तो हो सकता है आप शायद थोड़ा सा देखें कि वहां पे जो चेक्स हैं वो शायद 26 दिसंबर के बाद लोगों को नहीं मिले तो मार्केट अगर उम्मीद कम है कि ऐसा होगा कि कोई ना कोई सेटलमेंट रीच हो जाएगी बट अगर ऐसा होता है तो देन आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में आएगा बिकॉज वो जो पैसा गया है वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां पर अगर आप देखें तो ना तो हाउसिंग प्राइसेस घटेगी ना कंज्यूम वहां पे बैंकों में जो पैसा गया है इन सेविंग बहुत ऑलमोस्ट 3 times हो गया है पिछले 8 महीने में जो सेविंग अकाउंट में पैसा होता था ऑफ अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ पीपल सो वो पैसा बचा है वो जो पैसा है वो भी कुछ बाजार में आ रहा है तो वो जाना कम हो जाएगा तो एक जो अभी आपने बात करी मेरे ख्याल से एक रेड फ्लैग अगर आप आने वाले कुछ महीने या हफ्तों की बात करें तो ये रहेगा कि उस स्टिमुलस का क्या होता है अब वो क्या करते हैं कैसे करते हैं वो तो देखिए पॉलिटिशियन है वो उनका हक है कुछ भी कहना और कुछ ना भी करना। Right, let's take a look at the oil now. With oil prices today fell as producers, including Saudi Arabia and Russia, locked horns over the need to extend record production cuts set in place during the first wave of the COVID-19 pandemic. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $47.90 per barrel, while WTI crude prices were around $44.90 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य आज 546 रुपए बढ़ा 49,189 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सोना पहुंच गया। उधर चांदी 847 रुपए उछलकर 63,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य बढ़कर $1,845 प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी $24.40 प्रति औंस हो गई। बहुत संक्षेप में राजीव सोने और चांदी पर आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। सोना अब जबकि कोविड के कह लें कि टीके आने की बात चल रही है उसमें किस दिशा में जाएगा संक्षिप्त बहुत संक्षिप्त। मेरे को लगता है थोड़ा रेंज बाउंड मोड रहेगा जो पिछले 8-9 महीने की परफॉर्मेंस है वो रिपीट नहीं होगी जल्दी से जी यानी कुल मिलाकर सोना अब नीचे की ओर ही आ सकता है ऊपर नहीं जाएगा। श्रोताओं की ओर से राजीव हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। एंड नाउ बिफोर वी क्लोज फ्रेंड्स अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। वेल की डोमेस्टिक स्टॉक्स लॉग मार्जिनल गेन्स। सेंसेक्स क्लोजेस एट 44,633। निफ्टी सेटल्स एट 13,134। Rupee weakens 13 paise against the US dollar and gold rises more than 500 rupees per 10 grams amid appreciation in the international markets. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak bidding adieu. Namaskar. Market Mantra.
Thank you.